थैंक्स अथर्व भाई, मैं तो रिकॉर्ड हो ही नहीं रहा था, ध्यान ही नहीं दिया। तो देखो इनिशियल, अब यहाँ पे देखो 2D में है ना, हम लोगों ने पीछे भी डिस्कस किया था ना, जब 2D 3D रहता है तो हम डायरेक्शन के लिए आई जे यूज करते हैं, और अगर 1D होगा तो वहां प्लस माइनस। तो यहाँ पे क्या है, पहले एक्स एक्सिस है फिर इधर एक्स वाई के बीच में जा रहा है, तो ये कौन सा केस हुआ, 2D वाला ना, ना 2D वाला। आरुष अगर डाउट है तो अनम्यूट करके पूछ लो। तो यहाँ पे हम लोग अब डायरेक्शन के लिए क्या प्लस माइनस यूज करेंगे, बोलो हाँ या ना, डायरेक्शन के लिए यहाँ पे प्लस माइनस यूज करेंगे क्या, 2D है तो नहीं ना, यहाँ पे हम लोग क्या यूज करेंगे, आई जे ना, आई जे के यूज करेंगे। तो एक्स वाई प्लेन है मतलब आई जे यूज करेंगे। तो इनिशियल वेलोसिटी को हम कितना बोलेंगे, वो एक्स एक्सिस के लॉन्ग है, पॉजिटिव एक्स एक्सिस के लॉन्ग, तो 2i कैप ना, इनिशियल वेलोसिटी हम लिखेंगे 2i कैप, और फाइनल वेलोसिटी कितना लिखेंगे, फाइनल वेलोसिटी कितनी हो जाएगी। तो उसके लिए आपको इस वेक्टर को रिजॉल्व करना पड़ेगा ना, वेक्टर रिजॉल्व करना हमने वेक्टर में सीखा हुआ है, अगर कोई वेक्टर किसी लाइन के साथ थीटा एंगल बनाता है तो उस वेक्टर का उधर कंपोनेंट कितना आएगा, वेक्टर का मैग्नीट्यूड इनटू कॉस थीटा ना, इधर कितना आएगा 4 cos 60, और इधर वाला कितना आएगा 4 sin 60। तो ये कंपोनेंट हो जाएंगे, इधर को आ जाएगा 4 cos 60, और इधर आ जाएगा, जिन्होंने नए हैं जिनको नहीं पता वो वेक्टर पढ़ने के बाद ये समझ आ जाएगा। तो टोटल वेलोसिटी कितनी बोलोगे, 4 cos 60 पॉजिटिव एक्स एक्सिस में, तो उसमें आई कैप मल्टीप्लाई करेंगे, और 4 sin 60 किधर है, 4 sin 60 किधर है, पॉजिटिव आई एक्सिस के लॉन्ग, तो उसमें जे कैप मल्टीप्लाई करेंगे। अब इनकी वैल्यू डाल दो, cos 60 कितना होता है 1/2, और sin 60 कितना होता है √3/2, तो ये आ जाएगा 2i कैप प्लस 2√3j कैप, सही है। अब फाइनल वेलोसिटी आ गई, इनिशियल पता है, अब यहाँ पे दोनों की वैल्यू डाल दो, अगर हम दोनों की वैल्यू डाल दें, एवरेज एक्सेलरेशन इक्वल टू फाइनल वेलोसिटी, फाइनल कितना है 2i कैप प्लस 2√3j कैप माइनस इनिशियल है 2i कैप, अपॉन में टाइम कितना है 2 माइनस 0, तो ये आई कैप से आई कैप कट जाएगा, 2 से फिर ये 2 कट जाएगा, तो √3j कैप ना, तो ये हमारा एवरेज एक्सेलरेशन आ गया। ठीक है, सबको समझ आया, जे कैप का मतलब क्या हुआ, पॉजिटिव आई एक्सिस के लॉन्ग ना, एवरेज एक्सलेशन है √3 और डायरेक्शन क्या है, पॉजिटिव आई एक्सिस के लॉन्ग। इसमें देखो रिजॉल्व करने वाला पार्ट थोड़ा सा था, जो नए बच्चों को थोड़ी दिक्कत हुई होगी, तो वो वेक्टर होने के बाद हो जाएगा ना, बाकी लोगों ने जिन्होंने वेक्टर पढ़ लिया उनको कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। ठीक है बच्चों, हो गए डाउट सारे, अब हम लोग स्टार्ट कर रहे हैं। यार नैनेस देखता हूँ भाई, व्हाट्सएप पे बहुत सारे बच्चे डाउट भेजते रहते हैं ना, कई बार वो ऊपर नीचे चला जाता है, फिर ध्यान नहीं रहता यार, देखता हूँ नैनेस ना। तो अब नेक्स्ट हम लोग देख रहे हैं, हम लोग देखो लास्ट टाइम हम लोगों ने कांस्टेंट एक्सेलरेशन वाला केस स्टार्ट किया था, अब उसी को आगे कंटिन्यू कर रहे हैं हम लोग। हम लोगों ने देखो एक्सेलरेशन 3 केस में करके सारा काइनेमेटिक्स स्टडी करने जा रहे थे ना, तो उसमें हमने देखा था कि कौन अनम्यूट कर रहा है भाई, अनम्यूट करने से पहले मुझे बताओ फिर अनम्यूट करो। एक्सेलरेशन एक तो 0 केस था, एक कांस्टेंट था, और एक में वेरिएबल था। तो 0 वाला केस मतलब यूनिफॉर्म वेलोसिटी वाला केस, ये हमने कर लिया है। कांस्टेंट वाला लास्ट टाइम हमने स्टार्ट किया था, तो इसमें हमने क्या क्या देख लिया था कि अगर कोई
कोई पार्टिकल कांस्टेंट वेलोसिटी से यू से चलना शुरू करता है, सॉरी इनिशियल वेलोसिटी यू से शुरू करता है विद कांस्टेंट एक्सेलरेशन इन टाइम जीरो पर, और टी टाइम बाद उसकी वेलोसिटी वी हो जाती है। तो वी यू ये सब रिलेटेड होंगे वेक्टर फॉर्म में, ऐसे वी इक्वल टू यू प्लस ए टी, डिस्प्लेसमेंट जो होगा वो होगा यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर। इसको हम लोग फाइनल वेलोसिटी के टर्म में ऐसे लिख सकते थे वी टी माइनस हाफ ए टी स्क्वायर। और एवरेज वेलोसिटी हमने देखी थी, एवरेज वेलोसिटी कितनी आई थी u प्लस वी बाई टू। फिर हमने ये भी देखा था कि ये तो हमारा क्या था फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन, इसको बोलते हैं, इसको सेकेंड इक्वेशन ऑफ मोशन बोलते हैं। फिर एक थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन देखा था, वो क्या था v स्क्वायर मतलब v डॉट v इक्वल टू u स्क्वायर मतलब u डॉट u इक्वल टू प्लस 2as, जिसको हम ऐसे लिख सकते हैं v स्क्वायर इक्वल टू u स्क्वायर प्लस 2as। फिर हमने देखा था मिड पॉइंट पे स्पीड, अगर इनिशियल स्पीड u है फाइनल v है, तो मिड पॉइंट पे स्पीड कितनी थी, एक मिनट होल्ड करने का। हेलो नमस्कार, कौन बोल रहे हैं? प्रेस ऑल टू शो और इतना जाए वेक्टर से मॉडल पाठ फाइल्स में दे योर कंप्यूटर पाठ कर देना है कंप्यूटर डेस्कटॉप जे डबल डबल पटापट करना है ग्रेविटी फिजिक्स असाइनमेंट। कौन बोल रहा है? गुस पटकन। चलो तो फिर हम लोग आगे स्टार्ट करते हैं। तो देखिए हम लोग हमारा क्या था, अगर हमें इनिशियल स्पीड पता है फाइनल स्पीड पता है तो मिड पॉइंट पे स्पीड, तो वो कितना आया था अंडर रूट यू स्क्वायर प्लस वी स्क्वायर अपॉन में टू। वेरी गुड। अब देखो यहाँ पे हम लोग एक चीज और देखेंगे, हमें पता है कि एवरेज वेलोसिटी कितनी होती है टोटल डिस्प्लेसमेंट अपॉन टोटल टाइम होती है ना, और टोटल डिस्प्लेसमेंट अपॉन टोटल टाइम ये एवरेज वेलोसिटी आई कितनी, जब एक्सेलरेशन कांस्टेंट होगा तो कितना होगा यू प्लस वी बाई टू। तो यहां से हम बोल सकते हैं कि डिस्प्लेसमेंट इक्वल टू, हम ऐसे भी बोल सकते हैं, यहाँ पे अगर हम टी को इस साइड ले आए तो हम डिस्प्लेसमेंट इक्वल टू बोल सकते हैं यू प्लस वी बाय टू इंटू टी। आर्थ ये क्यों शेयर कर रहा है इस पे? आर्थ क्या हुआ? अच्छा ओके। तो देखो हमारा ये फॉर्मूला हो गया ना डिस्प्लेसमेंट का, एक और फॉर्मूला हो गया डिस्प्लेसमेंट के। देखो हमारे पास कितने फॉर्मूले हो गए, एक था यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर, एक वी टी माइनस हाफ ए टी स्क्वायर, और एक दूसरा ये भी है यू प्लस वी बाई टू इंटू टी ना। कई बार हमें इनिशियल और फाइनल वेलोसिटी पता होगी,
तो हम डिस्प्लेसमेंट के लिए डायरेक्ट ये यूज कर लेंगे। तो लास्ट क्लास में हमने ये सारे फॉर्मूले देख लिए थे, फिर इसका साइन कन्वेंशन देखा था ना। साइन कन्वेंशन में हमने देख लिया था, ये नोट कर लो भाई, ये वाला लास्ट टाइम नहीं कराया था ना, ये वाला फॉर्मूला, तो नोट कर लो, तब तक साइन कन्वेंशन रिवाइज करा देता हूं। साइन कन्वेंशन हमने क्या देखा था कि अगर वो 1D में चल रहा है तो हम कोई एक डायरेक्शन, कोई एक जगह ओरिजिन ले लेंगे। नॉर्मली हम ओरिजिन कहाँ लेते हैं, जहां से मोशन स्टार्ट हो रहा है, फिर वहां से पॉजिटिव एक्स एक्सिस दिखा लेंगे और नेगेटिव एक्स एक्सिस। तो अगर कोई चीज पॉजिटिव डायरेक्शन में जा रहा होगा तो उसको प्लस में लिखेंगे, जो नेगेटिव में जा रहा होगा उसको माइनस में। सेम चीज हम लोग अगर वर्टिकल में हो रहा है वहां पे भी लगाएंगे, जब मोशन अंडर ग्रेविटी पड़ेंगे तो वहां वाई डायरेक्शन, वाई इक्वल टू जीरो ले लेंगे कोई एक जगह, वहां से जो ऊपर को हो रहा होगा उसको प्लस में लिखेंगे, जो भी नीचे को हो रहा होगा वो माइनस। और ये जो हमने साइन कन्वेंशन है ये डायरेक्शन के लिए है ना, पोजीशन के लिए नहीं है ना। हमने देखा था ना कि नेगेटिव एक्स एक्सिस पे होने के बाद भी हो सकता है वेलोसिटी प्लस में हो या माइनस में हो, डायरेक्शन देखना है, पोजीशन नहीं। अब हमें इनको यूज करना स्टार्ट करना है आज, ठीक है। अब नेक्स्ट स्लाइड पे चल रहा हूं। तो अब देखो इसमें क्या है, हम लोग कुछ प्रॉब्लम करेंगे तो इससे ये जो हमने फॉर्मूले देखे वो और क्लियर हो जाएंगे। तो इसमें देखो हमें सबसे पहले हमें ये देखना है कि जो हमने v इक्वल टू यू प्लस ए टी फॉर्मूला देखा, या s इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर, या v स्क्वायर इक्वल टू यू स्क्वायर प्लस टू ए एस, इन सब में u का क्या मतलब है ना, u का क्या मतलब है, तो हम लोग पहले वो थोड़ा अच्छे से समझते हैं। तो देखो ये क्या है, मान लो कोई पार्टिकल यहां से चलना शुरू करता है विथ इनिशियल स्पीड 10 मीटर पर सेकेंड और विथ एक्सेलरेशन 2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर टाइम जीरो, और 2 सेकेंड बाद मान लो वो कहीं यहां पहुंचा और 4 सेकेंड बाद कहीं यहां पहुंचा। तो अगर मैं बोलूं कि भाई 2 सेकेंड बाद की वेलोसिटी बताओ या फिर 4 सेकेंड बाद की वेलोसिटी बताओ, तो हम इजीली कर सकते हैं ना। देखो मैं एग्जांपल एकदम सिंपल ले रहा हूँ, आप सॉल्व कर सकते हो, बट मेन करने का पर्पज क्या है कि आपको u का मीनिंग क्लियर हो जाए ना। ना अभी हम लोग अच्छे क्वेश्चन भी करेंगे, पहले थोड़ा सा हम लोग बेसिक समझ लें कि है को क्या रहा है। तो अगर मान लो मैं इस पॉइंट को ए बोलूं, इसको बी बोलूं, इसको सी बोलूं, तो मैं कहां से कहां तक की जर्नी देख रहा हूं। अगर मैं ए से बी तक की जर्नी देख रहा हूं तो ए पे जो स्पीड होगी उसको यू बोलूंगा। अगर मैं ए से सी तक की जर्नी देख रहा हूँ तो ए पे स्पीड को यू बोलूंगा। अगर मैं बी से सी तक की जर्नी देखूंगा, अगर बी से सी तक की जर्नी देखूंगा तो बी की स्पीड को क्या बोलना चाहिए, फिर यू बोलेंगे ना। अगर हम लोग बी से सी तक की जर्नी देखेंगे तो बी की स्पीड को यू बोलेंगे ना। तो यू क्या रहता है, आप कहां से कहां तक की जर्नी देख रहे हो, तो जो स्टार्टिंग पॉइंट है वो होगा उसकी स्पीड को हम लोग यू बोलेंगे। ऐसा नहीं है कि जो टाइम जीरो पे स्पीड दिया वही यू है, हम किस इंटरवल में देख रहे हैं उसके स्टार्टिंग पॉइंट को हम इनिशियल स्पीड बोलेंगे। तो जैसे हमें ये प्रॉब्लम करना है तो हम इसमें पहले ए से बी तक की जर्नी देख रहे हैं, ए से बी तक की जर्नी देख रहे हैं, तो यू हमारा कितना है प्लस 10, क्योंकि वो पॉजिटिव डायरेक्शन में दिया हुआ है ना, ये दिया इस डायरेक्शन में दोनों, और एक्सेलरेशन भी कितना है प्लस 2। ए से बी तक की जर्नी का टाइम कितना है 2 सेकेंड, तो हम डायरेक्ट फॉर्मूले में रख देंगे v इक्वल टू यू प्लस ए टी, 10 प्लस 2 इंटू 2 तो ये हो गया 14। अब हमें c पे स्पीड निकालनी है, अब c पे स्पीड निकालनी है तो उसके लिए हमारे पास दो तरीके हैं, या तो अगर हम a से c तक की जर्नी देखें, अगर हम a से c तक की जर्नी देखेंगे तो u कितना पकड़ेंगे a का कितना u है 10 मीटर पर सेकेंड, एक्सेलरेशन वही रहेगा, एक्सेलरेशन कांस्टेंट है 2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, और टाइम कितना हो जाएगा ए से सी तक के लिए 4 सेकेंड। नाइन एस ए से सी तक का ये जो टाइम दिया रहता है ये कौन सा टाइम रहता है, स्टॉप वॉच का टाइम ना, ये जो टाइम रहता है ये किसका टाइम रहता है, स्टॉप वॉच का। यहाँ पे स्टॉप वॉच ऑन हुआ था, यहाँ पे स्टॉप वॉच में टाइम 2 सेकेंड है, यहाँ पे 4 सेकेंड।
हमेशा t इक्वल टू लिखा है, इसका मतलब क्या है, स्टॉप वॉच का टाइम दिया जा रहा है। तो हम लोग v इक्वल टू u प्लस ए टी में डाल देंगे, v इक्वल टू हो गया या फिर हम यहां पर b से c तक की जर्नी का यूज कर सकते थे। अगर b से c तक का करते तो b पे जो स्पीड आई थी, b पे स्पीड कितनी आई थी, b पे स्पीड आई थी 14, तो b से c की जर्नी के लिए ये u हो जाएगा। तो हम इसको ऐसे बोलेंगे, यहाँ पे ये कितना है 14 मीटर पर सेकेंड, एक्सेलरेशन तो कांस्टेंट है 2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, और b से c तक की जर्नी के लिए टाइम कितना पकड़ेंगे, b से c तक की जर्नी का टाइम कितना पकड़ेंगे 2 सेकेंड। यहाँ पे वॉच में टाइम 2 सेकेंड है, यहाँ 4 सेकेंड, मतलब यहां से यहां तक जर्नी का टाइम 2 सेकेंड हुआ। तो ये हो गया v इक्वल टू u प्लस a इनटू t, तो वही आ जाएगा 18 मीटर पर सेकेंड। ठीक है, सबको क्लियर है? यहाँ पे देखो, इस प्रॉब्लम को कराने का बस पर्पज क्या था कि आपको ये क्लियर रहे कि u का क्या मतलब है। यू का मतलब होगा कि आप कहां से कहां की जर्नी ले रहे हो, उस जर्नी का जो स्टार्टिंग पॉइंट है उसको आपको लेना रहेगा इनिशियल स्पीड में। ये नोट हो गया है, जल्दी नोट कर लो, फिर अगला प्रॉब्लम करते हैं। अब एक प्रॉब्लम मैं आप लोगों को दे रहा हूं। इसमें देखो क्या है, कोई पार्टिकल है, वो जर्नी स्टार्ट करता है कांस्टेंट एक्सेलरेशन से। आयु सी टू बी तब हो सकता है ना जब आप सी टू बी जर्नी करो, जो होगा उसको ही लोगे ना। आप ए से बी गए थे, बी से सी गए थे, जब आप सी टू बी वापस आए नहीं तो सी टू बी नहीं ले सकते ना। तो अब ये प्रॉब्लम ये है कि कोई पार्टिकल ऐसे स्ट्रेट लाइन में चलना शुरू करते हैं, क्वेश्चन ऐसे है। हाँ पार्थ, अनम्यूट करके डाउट पूछ लो। यहाँ पे दिया है कि जो एक्सेलरेशन है वो कांस्टेंट है। अबे अमन, क्या डाउट पूछ रहे हो? बी टू सी में यू 14 कैसे आया? अच्छा एक मिनट देख, बी टू सी में, बी टू सी जर्नी में इनिशियल पॉइंट कौन सा है बी टू सी में? अमन अनम्यूट कर ले एक बार ना, डाउट डिस्कस करने के लिए। बी टू सी में इनिशियल पॉइंट कौन सा है? बी। तो बी की स्पीड को यू बोलेंगे ना, और देख बी पे स्पीड हमने निकाली है ना, ये कितनी आई है 14। हाँ तो यही हमने बी पे स्पीड ले ली। अच्छा बी टू सी के लिए इनिशियल स्पीड बी की स्पीड है ना, वो कितनी है 14, और बी टू सी का जर्नी का टाइम कितना है 4 - 2 2 सेकेंड। हाँ सर समझ गया सर, थैंक यू सर। ओके तो अब देखो ये क्वेश्चन क्या है,
कि कोई पार्टिकल कांस्टेंट एक्सेलरेशन से स्ट्रेट लाइन में चलना शुरू करता है, तो पार्टिकल जो है वो पहले 2 सेकेंड में, जर्नी के पहले 2 सेकेंड में 20 मीटर चलता है। ये इन लिखा है ना, यहाँ पे इन लिखा है। एंड 30 मीटर चलता है नेक्स्ट 2 सेकेंड, तो हमें बताना है फाइंड डिस्टेंस मूव्ड बाय पार्टिकल इन नेक्स्ट 3 सेकेंड। पहले 2 सेकेंड के 2 इंटरवल लिए, उसके बाद एक तीसरा 3 सेकेंड का इंटरवल लिया, तो उसमें कितना चलेगा? सिंस देन लगा के नहीं करना है, ये ध्यान रखना ना। कोई पार्टिकल कांस्टेंट एक्सेलरेशन से चलना शुरू कर रहा है, पहले 2 सेकेंड का और नेक्स्ट 2 सेकेंड का दिया है, तो नेक्स्ट 3 सेकेंड का बताना है। नेक्स्ट 3 सेकेंड मतलब समझ लो ना, नेक्स्ट 3 मतलब जैसे मान लो यहाँ पे जर्नी शुरू हुई टाइम 0 पर, तो पहले 2 सेकेंड में कहीं यहाँ पहुंचा होगा, फिर अगले 2 सेकेंड मतलब वॉच में टाइम यहाँ 4 सेकेंड है, तब तक यहाँ पहुंचा है। अब अगला 3 सेकेंड मतलब जब वॉच का टाइम 7 सेकेंड हो चुका होगा, आपको ये वाली डिस्टेंस दी हुई है 20 मीटर, अगले 2 सेकेंड का ये दिया है 30 मीटर, तो अगले 3 सेकेंड का निकालना है, ये डिस्टेंस निकालना है। क्वेश्चन सबको क्लियर है ना? ठीक है, अब सॉल्व करते हैं ना। देखो हमें इसमें ये नहीं पता कि इनिशियल स्पीड क्या है ना, इनिशियल स्पीड नहीं पता है, तो हम कुछ ऐसा मान लेंगे कि मान लो इनिशियल स्पीड थी कुछ इसकी u, और एक्सेलरेशन नहीं पता था तो वो कुछ मान लिया है a। ठीक है, अब चेक करते हैं ना, सॉल्व करेंगे तो समझ आएगा आंसर, मुझे भी याद नहीं है। तो हम लोग देखो क्या करेंगे, इनिशियल स्पीड u ले लिया और एक्सेलरेशन a ले लिया, तो अगर हम मान लो इसको पॉइंट दे दें, ये मान लो पॉइंट a है, ये पॉइंट b, ये पॉइंट c और ये पॉइंट d, तो हम a से b तक की जर्नी देख रहे हैं ना। जब हम a से b तक की जर्नी देख रहे हैं तो a पॉइंट पे स्पीड हमने कितनी मानी हुई है u, तो u हमारी इनिशियल स्पीड है ना, एक्सेलरेशन हमें पता नहीं, तो u को तो हम u लिखेंगे और एक्सेलरेशन को हमने कुछ a माना है तो a लिख देंगे। a से b तक जर्नी के टाइम में टाइम कितना लगा है 2 सेकेंड, और डिस्प्लेसमेंट कितना हुआ है 20 मीटर, तो हम डिस्प्लेसमेंट वाले फॉर्मूले में डाल देंगे। डिस्प्लेसमेंट वाला फॉर्मूला कितना हो रखा है, s इक्वल टू ut, ut में t कितना है 2, प्लस हाफ a t स्क्वायर ना, और s की वैल्यू कितनी आई है 20, तो ये 2 से 2 कट जाएगा, 2 हर जगह से कॉमन हो जाएगा, तो यहाँ पे आ जाएगा u प्लस a इक्वल टू 10। ये सबको क्लियर है पहली इक्वेशन? हाँ या ना बोलो बच्चों, a टू b वाला सारा पॉइंट क्लियर है? अब हम लोग देखो यहाँ पे b टू c अगर देखें, अगर हम b टू c देखेंगे तो मुझे इनिशियल स्पीड u कहाँ की लेनी पड़ेगी, यहाँ की, और वो हमने कुछ ली हुई है, निकाली भी नहीं है और कुछ सपोज भी नहीं किया है, तो अगर मैं b टू c लेने जाऊंगा तो मुझे यहाँ की स्पीड फिर निकालनी पड़ेगी। उससे बेटर मैं क्या करूँ, a से c तक की जर्नी लूँ, अगर मैं a से c तक की लूंगा तो जो a पे इनिशियल वेलोसिटी है उसी को u ले, ये जो u लिया यही हो जाएगा ना इनिशियल स्पीड। a टू c के लिए यहाँ की स्पीड ही इनिशियल स्पीड हो जाएगी ना a पॉइंट की,
तो ज्यादा बेटर क्या है, ए टू सी तक की जर्नी लेना। जब ए टू सी तक की जर्नी लूंगा तो डिस्प्लेसमेंट कितना पकड़ूंगा, 20 + 30 = 50 meters ना। तो मैं अब यहां पे क्या लिख दूंगा, ए टू सी तक की जर्नी ले रहा हूं तो डिस्प्लेसमेंट कितना पकड़ूंगा, 50। यू ए पॉइंट का है, टाइम कितना होगा ए से सी तक का, यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर में टाइम कितना हो जाएगा, 4 seconds ना, ए से सी तक के लिए, प्लस हाफ ए टी स्क्वायर। तो ये कितना आ जाएगा, 4u + 8a। अब दो इक्वेशन है u और a में, और दो अननोन है u और a, इनको सॉल्व कर लेंगे तो u और a आ जाएगा। फिर हम पूरी a से d तक की जर्नी लेकर के सॉल्व कर सकते हैं। तो इनको हम सॉल्व करें तो फर्स्ट इक्वेशन में अगर हम 4 मल्टीप्लाई कर दें और सेकेंड इक्वेशन से सब्ट्रैक्ट करें, फर्स्ट इक्वेशन में हमने 4 मल्टीप्लाई किया और सेकेंड में सब्ट्रैक्ट किया, तो अब कितना हो जाएगा यहाँ पर, 50 = 4u + 8a है, और इधर लिख लेंगे 4u + 4a। इक्वेशन 1 लिख रहे हैं ना, 4 मल्टीप्लाई करके ये ऐसे आ जाएगा। ठीक है, सबको क्लियर है? तो इधर कितना आ जाएगा, 10, और इधर आ जाएगा 4a। तो इससे a की वैल्यू आ गई, a की वैल्यू आ गई 10/4, मतलब 2.5 m/s². ये हमारा एक्सेलरेशन हो गया। अब देखो हमें एक्सेलरेशन आ गया तो u निकाल लेंगे। इक्वेशन 1 से हम बोल सकते हैं कि इक्वेशन 1 में अगर a की वैल्यू 2.5 डाल के इधर ले जाएंगे तो u कितना आ जाएगा, 7.5। तो अब यहां से u आ जाएगा 7.5 m/s। ठीक है, अब देखो हमें u मिल गया, a मिल गया। अब अगर मुझे c टू d निकालना है, मुझे कितनी जर्नी का डिस्टेंस चाहिए c टू d, नेक्स्ट 3 seconds, मतलब ये वाला, तो अब मैं क्या कर सकता हूँ, या तो मैं c पॉइंट के पहले स्पीड निकालूं, क्योंकि c टू d जर्नी के लिए यहाँ की u वेलोसिटी पता होगी तभी ना u लगा पाऊंगा, u चाहिए होगा यहाँ का। या फिर ज्यादा बेटर है कि मैं a से d तक का सॉल्व करूं, ना a से d तक का सॉल्व करूं, तो यहाँ जो स्पीड है वही हमारी u हो जाएगी, और a से d तक की डिस्प्लेसमेंट आ गई तो उसमें a से c तक का सब्ट्रैक्ट कर दूंगा तो c से d तक का आ जाएगा। समझो सब लोग मैं क्या बोल रहा हूँ? हम लोग इस बार क्या करेंगे, a से d तक की जर्नी देखेंगे। अगर हम a से d तक का जर्नी देखें, अब हम लोग ए से डी तक का जर्नी देख रहे हैं। ए से डी तक की जर्नी में इनिशियल स्पीड जो हमने ए पे निकाली है वही हमारी यू हो जाएगी, 7.5 m/s। एक्सेलरेशन कितना होगा, जो हमने निकाला हुआ है वो तो कांस्टेंट है। ए से डी तक की जर्नी के लिए टाइम कितना पकड़ेंगे, ए से डी तक की जर्नी के लिए टाइम कितना रहेगा, 7 seconds ना। तो अब हम लोग s = ut + ½ at² में डाल देंगे, u कितना है, 7.5, तो ut + ½ at² ये सॉल्व करके कितना आ रहा है। अभी अनम्यूट नहीं करो भाई, कोई भी खुद को आवाज आ रही है, कुछ डिस्टरबेंस होता रह रहा है। देखो 7.5 है, इसको हम लोग लिख सकते हैं 15/2 ना, 15/2 लिखोगे तो 15 × 7 105 upon 2 प्लस ये हो जाएगा, इसको हम लिख देते हैं 5/2, 2.5 को 5/2 लिख देते हैं, तो ये आ जाएगा 49 × 5/4। ये देखो पूरा कैलकुलेट करके कितना हो जा रहा है, 49 × 5/4
करो कैलकुलेट इसको। हाँ 113.75, वेरी गुड। तो ये हो गया 113.75। तो ये पूरी हमारी जो डिस्प्लेसमेंट है ये ए से डी तक की है, और हमें बताना केवल कौन सा है, हमें बताना केवल कौन सा है, सी से डी तक का ना। हमारा जो आंसर है वो क्या है, सी से डी तक का डिस्प्लेसमेंट चाहिए हमें। तो हम क्या कर लेंगे, ए से डी तक का डिस्प्लेसमेंट में से ए से सी तक का सब्ट्रैक्ट कर देंगे। तो मतलब 113.75 माइनस ए से सी तक का कितना है 50। ये क्लियर है ना, ए से सी तक का 20 + 30 पूरा, ये कितना है 50। तो 50 कम कर लेंगे तो कितना आ जाएगा, 163.75। काफी लोगों ने बताया था 63.75, ठीक है। तो देखो इस प्रॉब्लम को भी कराने का पर्पज क्या था, कि आपके दिमाग में यू को लेकर के क्लियरिटी आ जाए ना। अब मुझे सी से डी तक का जर्नी लेना था तो मैं डायरेक्ट नहीं लिया ना, क्योंकि यहाँ का यू नहीं पता था, तो मुझे ए से डी तक का लेना पड़ा, ठीक है, नोट हो गया है। ठीक है, अब हम लोग नेक्स्ट प्रॉब्लम करते हैं। सपोज कोई ट्रेन है जो कांस्टेंट एक्सेलरेशन से आ रही है, और इसके सामने कोई पोल पड़ता है, ये कांस्टेंट एक्सेलरेशन से आ रही है, तो ट्रेन का फ्रंट एंड पोल को यू स्पीड से क्रॉस करता है, और ट्रेन का रियर एंड पोल को वी स्पीड से क्रॉस करता है। तो हमें बताना है ट्रेन का मिड पॉइंट पोल को कितनी स्पीड से क्रॉस किया होगा। क्वेश्चन क्या है, ट्रेन, ये सब जो भी मैं लिख रहा हूं सब कुछ नोटबुक में अच्छे से लिखना है ना, क्वेश्चन भी आपको अच्छे से लिख लेना है, क्योंकि रिवीजन के टाइम में कई बार याद ही नहीं रहता क्या क्वेश्चन किए थे, कुछ टाइम बाद बहुत सारे क्वेश्चन हो जाएंगे ना, तो आप क्वेश्चन नोट जरूर से कर लेना। क्वेश्चन नोट कर लूं,
हाँ सही बात है ना, अंडर रूट यू स्क्वायर प्लस वी स्क्वायर बाई टू, इसी दिन के लिए वो फॉर्मूला याद कराया था। वेरी गुड। ठीक है ना, ठीक है मैं आप समझा देता हूँ, सबका सही है तो जिनका नहीं हुआ है उनके लिए समझा देता हूँ। मान लो ट्रेन के फ्रंट एंड को ए बोल रहे हैं, रियर एंड को बी बोल रहे हैं, ट्रेन की लेंथ है कुछ एल, तो ट्रेन की स्पीड मतलब ट्रेन के कोई भी एक पॉइंट की स्पीड ना, जरूरी नहीं कि पूरी ट्रेन को ही देखो, ट्रेन की जो एक पॉइंट की स्पीड होगी वही पूरे ट्रेन की स्पीड होगी ना। तो केवल मैं अगर ए एंड को देखूं, ए एंड को देखूं, तो जब ए एंड सामने था तो स्पीड कितनी थी ट्रेन की, यू, और जब बी एंड सामने आएगा पोल के तब तक ए एंड कहां पहुंच चुका होगा, एल डिस्टेंस आगे हो चुका होगा ना, ए से बी तक की डिस्टेंस एल है ना। तो इसका मतलब ए पॉइंट को केवल अगर मैं सोचूं तो ए पॉइंट का डिस्प्लेसमेंट कितना हो गया, एल डिस्प्लेसमेंट पे स्पीड कितनी हो गई उसकी, वी, ट्रेन की स्पीड वी है ना, बी की, अगर रियर एंड की स्पीड वी है मतलब पूरे ट्रेन की स्पीड वी है। तो जब हम केवल ए को अगर देखें तो ए मान लो एक पॉइंट है जिसकी स्पीड जब पोल के सामने था तो यू थी, और बाद में जब बी सामने आया तब तक ए पॉइंट यहाँ आ गया, मतलब एक तरह से एल डिस्प्लेसमेंट हो गया है, और एल डिस्प्लेसमेंट के बाद अब ए की स्पीड कितनी हो गई है, वी, क्योंकि बी की जो स्पीड होगी वही पूरे ट्रेन की स्पीड होगी ना। तो हमें जब ये आधा डिस्प्लेसमेंट हुआ था, मिड पॉइंट मतलब जब हाफ डिस्प्लेसमेंट हुआ है, तो यहाँ हम डायरेक्ट फॉर्मूला लगा सकते हैं ना केवल ए पॉइंट को देख करके कि मिड पॉइंट पे ए की स्पीड बतानी है हाफ डिस्प्लेसमेंट पे। तो जो हमने कल देखा था मिड पॉइंट के टाइम की स्पीड क्या हो जाएगी, अंडर रूट यू स्क्वायर प्लस वी स्क्वायर बाय टू। ठीक है ना, बहुत सिंपल सा क्वेश्चन था, एक बार अगर आपने मिड पॉइंट वाला याद रखा हुआ तो बहुत सिंपल क्वेश्चन है। ठीक है, नेक्स्ट प्रॉब्लम करें। भावेश, बिना फॉर्मूले के वही करना रहेगा ना कि मिड पॉइंट की स्पीड की बात हो रही है तो मिड पॉइंट की स्पीड के टाइम पर जो ये ट्रेन के मैंने ए और बी एंड दिखाए ना, डिस्प्लेसमेंट ए का कितना हो चुका होगा, एल बाई टू। तो वैसे ही डिराइव करेंगे जैसे कल किया था, एल डिस्प्लेसमेंट में स्पीड वी हो गई तो एल बाई टू डिस्प्लेसमेंट में स्पीड क्या होगी। ठीक है, नेक्स्ट स्लाइड पे चल रहा हूं ना। नेक्स्ट हमें करना है, सपोज यार श्रेयस, वो लास्ट टाइम वाला डेरिवेशन नोट किया होगा ना, उस फॉर्मूले में देख हम लोगों ने ये किया था कि अगर कोई भी चीज यू स्पीड से चलना शुरू करता है और वी डी डिस्प्लेसमेंट के बाद अगर उसकी स्पीड वी हो जाती है तो मिड पॉइंट पर उसकी स्पीड क्या थी। उसका देखना डेरिवेशन मैंने लिखाया था, ये जो फॉर्मूला होता है वी स्क्वायर इक्वल टू यू स्क्वायर प्लस टू ए एस, इसमें जब आप मान लो ये ए पॉइंट है, ये बी पॉइंट है, ये सी पॉइंट है, जब आप ए से सी तक की जर्नी देखोगे, ए से सी तक की जर्नी देखोगे तो फाइनल पॉइंट कौन सा है, सी, तो सी की स्पीड डालोगे और इनिशियल पॉइंट क्या है, ए, और डिस्प्लेसमेंट कितना है ए से सी तक का, डी। फिर एक बार ए से बी तक की जर्नी देखो, ए से बी तक देखोगे तो बी मतलब फाइनल स्पीड बी की होगी, फाइनल स्पीड अब कितना बोलोगे, वी एम का स्क्वायर। इसी फॉर्मूले में वैल्यू डालनी है ना, इसी फॉर्मूले में वैल्यू डालो, फाइनल स्पीड यू हो जाएगा, इनिशियल यू ही रहेगा और डिस्प्लेसमेंट ए से बी तक के लिए कितना लोगे, डी बाई टू। अब इन वी को सॉल्व कर दिया था सब्ट्रैक्ट करके। ठीक है श्रेयस,
तो अब देखो नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग कर रहे हैं, जिसमें मान लो कोई एक पुलिस वाला है जो कांस्टेंट स्पीड यू से आ रहा है, और आगे एक कोई थीफ था जो बाइक पे बैठा था, वो देखता है कि भाई पुलिस वाला आ रहा है यू स्पीड से, तो वो बाइक स्टार्ट करता है और ए एक्सेलरेशन से भागना स्टार्ट करता है। इसकी इनिशियल स्पीड थीफ की जीरो है ना, इनिशियल स्पीड ऑफ थीफ जीरो है, और इनिशियल स्पीड ऑफ पुलिस वाला क्या है, यू है। पुलिस वाले की स्पीड कांस्टेंट है ना, उसका एक्सेलरेशन जीरो है। हाँ वेदांत, ये तो लास्ट टाइम जो किया था वही है, यही बोल रहा है वेदांत। यार ये पहले तुम अपना नाम सही करो यार, क्या नाम लिख रखा है ये, ऐसे करोगे मैं तो मैं अभी क्लास से रिमूव कर दूंगा। नाम सही से रखो, क्या नाम है तुम्हारा, नाम जाने क्या करते लिख रखा है। नाम बताओ भाई क्या है तुम्हारा, नहीं मैं रिमूव कर रहा हूं तुम्हें। एक बार रिमूव कर दूंगा तो आप ज्वाइन नहीं कर पाओगे फिर, मैं कुछ नहीं कर सकता। जल्दी नाम बताओ क्या है। हेलो, एक मिनट रुक जाओ यार, इसको हटाना पड़ेगा ये। सर्च में भी नहीं आ रहा है, क्या चक्कर है ये। चलो देखता हूँ इसको तो। ओके ठीक है, अब देखो भाई हम लोग नेक्स्ट देख रहे हैं कि कोई पुलिस वाला कांस्टेंट एक्सेलरेशन से आ रहा था यू स्पीड से, जब ये डी डिस्टेंस पीछे था ना, जब ये डी डिस्टेंस पीछे था तो उस टाइम पर इस थीप ने ए एक्सेलरेशन से बाइक स्टार्ट की और भागना स्टार्ट किया, इसका इनिशियल स्पीड जीरो है ना, तो हमें बताना है कि व्हाट शुड बी मिनिमम वैल्यू ऑफ यू सो दैट पुलिस वाला कैन कैच थीप ना, यू की मिनिमम वैल्यू बतानी है। तो क्वेश्चन लिख देता हूं, देखो जो जो सिंबल दिए उनके टर्म में बताना है ना, टी नहीं दिया उसके टर्म में नहीं बताओगे ना। नोट कर लो सब लोग, प्रॉब्लम नोट करो पहले।
अभी चेक करते हैं, सॉल्व करते हैं, फिर देखते हैं ना क्या सही है. नोट कर लो तब तक. ठीक है, सॉल्व करें. श्री टी नहीं दिया है ना, जो दिया नहीं है उसके टर्म में नहीं सॉल्व करना है. यू की वैल्यू ए और डी के टर्म में बताना है. क्वेश्चन में केवल ए दिया है, डी दिया है. हाँ श्रेयस, श्रेयस प्रथमेश, इन लोग का आया था सही है, रूट टू ए डी. चलो चेक करते हैं. तो देखो इसमें हम लोग क्या कर लेंगे, हम लोग मान लेते हैं कि कहीं यहाँ, जब तक बाइक वाला कहीं यहाँ पहुंचेगा तब तक पुलिस वाला उसके पास पहुंच जाएगा ना, तब तक वो पकड़ लेगा. तो ये मान लो कुछ, ये पॉइंट मान लो ए है, ये बी है, ये पॉइंट कुछ मान लो सी है. तो पुलिस वाले ने कितनी डिस्टेंस कवर की, कुछ डी टी, ए से सी तक की डिस्टेंस कवर की ना पुलिस वाले ने. और थीप ने कितनी डिस्टेंस कवर की, बी से सी तक की. इसको डी टी बोलते हैं ना, बी से सी तक की. तो पुलिस वाले की जो डिस्प्लेसमेंट है उसको हम क्या लिख सकते हैं, डी प्लस थीप की डिस्प्लेसमेंट. ये पॉइंट सबको क्लियर है ना, डी टी में जब डी एड करेंगे तब ना वो पुलिस वाले के डिस्प्लेसमेंट के बराबर आएगा, है कि नहीं. अब देखो ये जो डीपी होगा, पुलिस वाला तो कांस्टेंट स्पीड से चल रहा है ना. अगर पुलिस वाला कांस्टेंट स्पीड से चल रहा है तो उसके लिए क्या होगा, डिस्प्लेसमेंट कैसे निकालोगे, सीधे वेलोसिटी इनटू टाइम. मान लो टी टाइम बाद यहां पर कहीं पर जाकर उसने ओवरटेक किया, तो दोनों को टाइम कितना मिला है, ये यहां से टी टाइम में यहां पहुंचा है और ये यहां से टी टाइम में यहां पहुंचा है, दोनों को टाइम टी मिला है ना. तो पुलिस वाले का डिस्प्लेसमेंट कितना बोलेंगे, उसकी स्पीड इनटू टाइम. और थीप का डिस्प्लेसमेंट कितना बोलेंगे, थीप के लिए क्या लगाएंगे, यूटी प्लस हाफ एटी स्क्वायर ना. थीप के लिए एक्सेलरेशन है ना, थीप के लिए एक्सेलरेशन है, तो इसके लिए यूटी प्लस हाफ एटी स्क्वायर. और यू कितना हो रखा है इसका, यू जीरो है ना, तो केवल क्या रह जाएगा, हाफ एटी स्क्वायर. तो थीप का डिस्प्लेसमेंट हम बोलेंगे हाफ एटी स्क्वायर. इसको हम ऐसे लिख सकते हैं, टू से मल्टीप्लाई करो और यूटी वाले टर्म को इस साइड कर दो. टू से पहले मल्टीप्लाई कर लेते हैं फिर यूटी को इधर कर लेते हैं, तो ये बन जाएगा टू यूटी इक्वल टू टू डी प्लस एटी स्क्वायर. तो ये हो जाएगा एटी स्क्वायर माइनस टू यूटी प्लस टू डी इक्वल टू जीरो, ऐसे आ जाएगा. अब देखो अगर ये पुलिस वाला इसको पकड़ता है, अगर वो उसको पकड़ता है, तो ये जो क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनी है टी में, कुछ ना कुछ टाइम की वैल्यू आनी चाहिए ना. क्वाड्रेटिक के रूट्स आएंगे तभी ना वो पुलिस वाला पकड़ेगा, अगर रूट्स रियल आ रहे हैं तभी. तो इस क्वाड्रेटिक के रूट्स रियल कब हो पाएंगे, इस क्वाड्रेटिक के रूट्स रियल कब हो पाएंगे, जब इसका डिस्क्रिमिनेंट ग्रेटर ग्रेटर देन जीरो होगा. डिस्क्रिमिनेंट क्या हो जाएगा, माइनस बी. बी कितना है यहाँ पर, ये बी की वैल्यू माइनस टू यू है ना, तो बी स्क्वायर मतलब माइनस टू यू बी स्क्वायर माइनस फोर ए सी. ये क्या होना चाहिए, ग्रेटर देन इक्वल टू जीरो होगा. डिस्क्रिमिनेंट ग्रेटर देन इक्वल टू जीरो होगा तभी रूट्स एग्जिस्ट करेंगे ना. तो इससे आ जाएगा फोर यू स्क्वायर माइनस एट ए डी ग्रेटर देन इक्वल टू जीरो.
तो 4 से ये कट होके 2 रह जाएगा, तो u स्क्वायर आया ग्रेटर देन इक्वल टू 2ad. तो यहां से हम बोल सकते हैं u की वैल्यू होनी चाहिए 2ad से बड़ी. तो मिनिमम वैल्यू कितनी बोल सकते हैं, मिनिमम वैल्यू रूट 2ad है, रूट 2ad या उससे बड़ी वैल्यू. तो मिनिमम कितना है, रूट 2ad. सबको समझ आया ना कैसे कैसे सॉल्व हुआ है? किसने अनम्यूट किया भाई? अभी आपको खुद से अनम्यूट नहीं करना है बिना मेरे से पूछे हुए. श्री म्यूट कर लो अभी. ठीक है बच्चों, सबको समझ आया कैसे किया है? हाँ श्रेयस, हाँ चलो इसी टाइप का एक और प्रॉब्लम तुम लोग करो खुद से. अबे तेजस देखो मैं क्या बोल रहा हूँ, पुलिस वाला देखो कांस्टेंट स्पीड से चल रहा है ना. पुलिस वाला अगर कांस्टेंट स्पीड से चल रहा है तो उसके लिए यूनिफॉर्म मोशन वाला फॉर्मूला लगाओगे. यूनिफॉर्म मोशन में डिस्प्लेसमेंट कैसे निकालते हैं, स्पीड इंटू टाइम. तो पुलिस वाले का स्पीड इंटू टाइम लगाया है. थीप कॉन्स्टेंट एक्सलरेशन से चल रहा है ना, और उसका यू जीरो है. थीप का यू जीरो है तो यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर में डाल दिया तो थीप का डिस्प्लेसमेंट आ गया. थीप के डिस्प्लेसमेंट में जब डी एड करोगे तो वो पूरे पुलिस वाले के डिस्प्लेसमेंट के इक्वल होगा. तो ऐसे लिख दिया है. अब ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन गई है. इस क्वाड्रेटिक के रूट्स कब मिलेंगे, मतलब टाइम की वैल्यू तभी मिलेगी ना जब इसके रूट्स आएंगे. टी का क्वाड्रेटिक है तो टाइम कब मिलेगा, जब इसका डिस्क्रिमिनेंट ग्रेटर देन इक्वल टू जीरो. क्वाड्रेटिक पढ़ा क्या, डिस्क्रिमिनेंट पता है ना, रूट्स कब मिलता है तेजस पता है क्या डिस्क्रिमिनेंट के बारे में? तो वो लगा दिया ना, बी स्क्वायर माइनस फोर ए सी ग्रेटर देन इक्वल टू जीरो. तो ये कंडीशन है, इससे समझ आ रहा है कि यू की मिनिमम वैल्यू ये होनी चाहिए. अगर ये होगा तभी टी आएगा, तभी टी आएगा मतलब तभी पुलिस वाला चोर को पकड़ पाएगा. इसको रिलेटिव से भी कर सकते थे, जब रिलेटिव पढ़ेंगे तो उस टाइम इसको एक बार फिर से कर लेंगे, उससे थोड़ा और आसान लगेगा. ठीक है, अब नेक्स्ट स्लाइड में चलें. अब देखो नेक्स्ट प्रॉब्लम हम लोग कर रहे हैं. एक कोई बस है, और इसके पीछे चिंटू है अपना, जिसको बस पकड़नी है दौड़ लगा के. जल्दी नोट करो ओम. आज पहली क्लास में कितने लोग थे? तो ये सेकेंड क्लास में क्या हो गया, बच्चे कहाँ भाग गए? चलो देखो इधर, ये रिकॉर्डिंग पढ़ जा रही है ना, इसलिए भी बच्चों का दिमाग लगा रहे होंगे कि रिकॉर्डिंग देख लेंगे. रिकॉर्डिंग बंद करनी पड़ेगी धीमे धीमे. केमिस्ट्री में रिकॉर्डिंग डाल रहे हैं क्या सर?
अच्छा ठीक। तो देखो अब ये हम लोग प्रॉब्लम कर रहे हैं जिसमें ये अपना चिंटू जो है 9 मीटर पर सेकेंड की कांस्टेंट स्पीड से भागता है बस की तरफ, बस पकड़ने को। बस उसी टाइम पे स्टार्ट हुई है, बस की स्पीड अभी 0 है, बट उसका एक्सलरेशन है, एक्सलरेशन कितना है 1 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। चिंटू कांस्टेंट स्पीड से भागता है, बस और चिंटू के बीच का डिस्टेंस जो है वो 40 मीटर है ना, पीछे वाले गेट से चिंटू की डिस्टेंस 40 मीटर है। तो हमें बताना है कि कितने टाइम बाद जा करके चिंटू बस को पकड़ पाएगा। क्वेश्चन क्या है? चिंटू स्टार्ट्स मूविंग सॉल्व करके बताओ भाई, सिक्स सेंस से नहीं। कोई दिक्कत हो रही है क्या? अच्छा श्रेयस, देख तेरे एंड पे कुछ प्रॉब्लम हो रही होगी, इधर तो सब सही चल रहा है। ठीक है, प्रॉब्लम नोट कर लो पहले, फिर हम लोग सॉल्व करते हैं इसका। सबका 8 और 10 सेकंड आ रहा है ना? ठीक है, देखते हैं। प्रॉब्लम नोट हो गया है क्या? प्रॉब्लम जरूर से नोट करना है ना, नहीं तो बाद में दिक्कत आएगी। सबने लगभग ट्राई कर लिया है तो मैं सॉल्व कर देता हूं, तब तक जिन्होंने प्रॉब्लम नोट नहीं किया वो प्रॉब्लम नोट कर लो ना। तो देखो यहाँ पे क्या हो रहा होगा, हम लोग मान लेंगे कि मान लो कहीं इस पॉइंट पर आकर के वो पकड़ लेगा ना, क्योंकि बस भी चल रही है आगे ना, तो जब तक वो बस के पास पहुंचेगा बस आगे चली जाएगी ना। मान लो चिंटू वाला पॉइंट ए है, ये पॉइंट बी है और ये पॉइंट सी है, तो सी पॉइंट पे जाकर के जब बस पहुंचती है तब जाकर के चिंटू उसको पकड़ता है। तो ए से सी तक का डिस्प्लेसमेंट जो होगा वो चिंटू का डिस्प्लेसमेंट होगा, वो बराबर होगा 40 प्लस बस का डिस्प्लेसमेंट बी टू सी। ये सबको क्लियर है ना? चिंटू को कितना आना पड़ेगा ए से सी तक, जबकि बस को कितना आना पड़ रहा है बी से सी तक। तो बी से सी प्लस 40 बराबर होगा ए से सी, चिंटू का डिस्प्लेसमेंट। अब ए से सी तक की वैल्यू क्या कितनी डालोगे? चिंटू तो कांस्टेंट स्पीड से आया है ना, तो उसकी वैल्यू कितनी डालोगे? स्पीड इंटू टाइम, तो 9 इंटू टी। मान लिया कि टी टाइम में जाके पकड़ लेगा वो 40, और बी से सी, बी से सी
के लिए क्या करोगे? अब देखो यहाँ पे क्या है, इसकी स्पीड जीरो है, एक्सेलरेशन है, तो इसके डिस्प्लेसमेंट के लिए क्या फॉर्मूला लगाएंगे? ut प्लस हाफ ए टी स्क्वायर, ना ut प्लस हाफ ए टी स्क्वायर लगाएंगे यहाँ पर, उसके गेट तक पहुंचना है। तो ये कितना आ जाएगा, u जीरो है तो ये कितना आ जाएगा, हाफ ए, ए की वैल्यू वन है ना, इंटू टी स्क्वायर। तो अब इस क्वाड्रेटिक का जो भी रूट आएगा उसके बेसिस पे हम बोल सकते हैं कि उतने टाइम बाद चिंटू जो होगा वो बस को पकड़ लेगा। तो ये कितना आ जाएगा, 9t = 40 प्लस, ये 2 से मल्टीप्लाई कर देते हैं ना, 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो ये हो जाएगा 18t = 80 प्लस टी स्क्वायर। तो टी स्क्वायर माइनस 18t प्लस 80 = 0। तो इसके अब रूट्स निकालने पड़ेंगे। रूट्स क्या क्या आ रहे हैं, एक रूट आ रहा है, रूट तो सब निकाल लोगे ना, एक 8 सेकेंड और एक 10 सेकेंड ना? अब देखो यहाँ पे सर आयु क्या बोल रहे हो, रूट टू ए डी, देखो जो हमने वो पीछे रूट वाला देखा था रूट टू ए डी की वैल्यू कितनी आई है, रूट टू ए डी की वैल्यू अगर हम निकाले यहाँ पे, सर आयु का डाउट देख लेते हैं एक मिनट, रूट टू ए डी ये कितना आया, 80। तो देखो जो उसको पकड़ने के लिए क्या चाहिए था कि u की वैल्यू कम से कम रूट 80 हो या उससे ज्यादा हो, तो ये तो 9 से कम है ना, रूट 89 से कम है, और अभी उसकी स्पीड कितनी आ रही है समझो ना, ये 9 से चला है, मतलब रूट 81, रूट 81 रूट 80 से ज्यादा है ना। तो ये बाकी लोग ये छोड़ो, इस पे अभी ध्यान नहीं दो, वो खुद ही रूट आएगा ना, अगर टी के रियल रूट आ रहे हैं तो पकड़ लेगा, रियल रूट नहीं आएंगे तभी वो नहीं पकड़ पाएगा। अब देखो यहाँ पे दो बार आने का क्या सेंस है, दो बार इसलिए आ रहा है क्योंकि मान लो पहली बार वो बस के सामने पहुंचा लेकिन बस पे नहीं चढ़ता है, तो बस की स्पीड तो बढ़ती जाएगी ना, तो थोड़ी देर बाद बस को फिर से उसको क्रॉस करेगी, पहले तो वो आगे बढ़ जाएगा, पर्सन बस तक पहुंच गया मान लो 8 सेकेंड पर, लेकिन अगर नहीं पकड़ता है तो अभी पर्सन आगे बढ़ जाएगा, लेकिन थोड़ी देर बाद बस की स्पीड बढ़ती जा रही है ना, बस 2 सेकेंड बाद फिर क्रॉस करेगा, तो 10 सेकेंड बाद फिर से वो गेट के सामने आ जाएगा। ये बात समझ आ रही है, दो आंसर क्यों आए हैं, क्योंकि दोनों का डिस्प्लेसमेंट दो बार इक्वल होगा, अगर वो पहली बार कैच नहीं करे तो फिर से इक्वल हो जाएगा। तो ठीक है, अब नेक्स्ट प्रॉब्लम करते हैं। श्रेयस देखो इसमें बस एक्सप्लेन करने का यही है, इसमें किस पॉइंट पे डाउट है श्रेयस, अनम्यूट करके बताओ तो वो समझाऊं फिर। सर ये दो रूट कैसे आए वो मुझे समझ में नहीं आया सर। दो रूट का मतलब क्या है ना कि जैसे पहली बार मान लो ये पर्सन जो है वो बस गेट के सामने आ गया लेकिन वो नहीं उसको कैच करता है, तो अभी पर्सन की स्पीड ज्यादा है तो वो आगे बढ़ जाएगा, पर्सन का यहाँ आ गया और बस का एक्सेलरेशन है ना, तो बस की स्पीड क्या होती जा रही है, बस की तो स्पीड बढ़ती जा रही है ना। हाँ सर। तो क्या ऐसा होगा कि पर्सन आगे निकल जाए बस पीछे ही रह जाए? नहीं सर, वो बस एक्सेलरेट करते हुए आ रही है तो बस कभी ना कभी फिर से क्रॉस करेगी ना, तो फिर से ये पर्सन आगे बढ़ गया, अब बस वापस थोड़ी देर बाद उसको क्रॉस करेगी,
पहली बार अगर 8 सेकंड है तो दूसरी बार 10 सेकंड पे ऐसा होगा, मतलब 2 सेकंड बाद वो फिर से गेट के सामने होगा। ओके सर, ठीक है सर। एक डाउट, हाँ सर, वो रूट्स का कैसे, मतलब एक और बार बताओ ना, मतलब वो रियल रूट्स का अभी आपने जो बताया ना, रूट्स ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है ना, इसके रूट्स निकालने केवल? नहीं नहीं सर, वो लेस देन और ग्रेटर, मतलब वो वाला जो कंसेप्ट है ना, वो एक और बार देखिए, वो हम लोग बस ये चेक कर रहे थे कि जैसे ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है तो इसके रूट्स ये रियल आ गए, तो अगर हम मान लो सॉल्व नहीं करें, बस चेक करें कि रियल रूट आएंगे कि नहीं, तो हम क्या करेंगे, माइनस बी, मतलब माइनस 18 का स्क्वायर बी स्क्वायर माइनस 4 ए सी है, ये ग्रेटर देन इक्वल टू 0 करेंगे ना, हाँ, तो इसी को सॉल्व करेंगे, तो ये देखो ग्रेटर देन 0 आ रहा है कि नहीं, ये 324 हो जाएगा, ये 320 आ गया, तो ये सर मतलब हमेशा चेक करना है क्या? नहीं नहीं नहीं, आप जब सॉल्व करोगे, अगर सॉल्व हो रहा है तो इसका मतलब सही है, रूट्स जब नहीं निकले तब चेक करो। ओके, क्वाड्रेटिक आपका शुरू हो गया? हाँ सर शुरू हो गया ना, लास्ट टाइम वो क्वाड्रेटिक के डाउट्स पूछ रहा था ना, कौन सा क्वाड्रेटिक लगेगा क्या। हाँ हाँ सर, हो मतलब हुआ है। हाँ हाँ, तो अभी और क्लियर हो जाएगा क्वाड्रेटिक पढ़ने से ना, रूट्स रूट्स निकालना और अच्छे से आ जाएगा। हाँ ठीक है, थैंक यू सर। अब देखो नेक्स्ट हम लोग देख रहे हैं, नेक्स्ट अब हम लोग देख रहे हैं, अभी देखो हमने जो प्रॉब्लम की है उसमें क्या था, जिधर को यू था उधर को ए था, अब हम लोग नेक्स्ट देख रहे हैं रिटार्डेशन वाला केस, मतलब अगर यू आगे को है और एक्सेलरेशन पीछे को है, तो उस केस में प्रॉब्लम कैसे सॉल्व करना होगा। तो जैसे देखो मान लो कोई पार्टिकल है, ये यू इक्वल टू 10 मीटर पर सेकेंड से चलना शुरू करता है, तो हमें बताना है, और इसका रिटार्डेशन पीछे को एक्सेलरेशन है 2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, तो हमें बताना है फाइंड डिस्टेंस एंड डिस्प्लेसमेंट कवर्ड बाय पार्टिकल इन पार्ट वन बिटवीन टाइम 0 एंड टाइम 2 सेकेंड, स्टार्टिंग के पहले 2 सेकेंड में कितना कवर हुआ, दूसरा टाइम 0 एंड टाइम 4 सेकेंड, तीसरा पार्ट टाइम 0 एंड टाइम 6 सेकेंड। सब लोग पहले प्रॉब्लम लिख लो फिर ट्राई करो। ये डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट दो निकालना है ना, तो आदित्य क्या बताया तूने? डिस्प्लेसमेंट बताया, अच्छा ओके, हाँ ठीक है आदित्य, वो हाँ सर आयु सही है।
हाँ डिस्प्लेसमेंट देखो सबने सही बताया है, डिस्टेंस भी बताना है। थर्ड पार्ट का डिस्प्लेसमेंट आ रहा है, कुछ ज्यादा ही बता रही है सर आयु, कम होना चाहिए मेरे हिसाब से। 24 और 24 24। ठीक है चेक करते हैं अपना। सॉल्व कर लिया जाए, ये थर्ड पार्ट का डिस्टेंस 126 आ रहा है, अगर 4 सेकेंड में उसका डिस्प्लेसमेंट आया 24 और 6 सेकेंड में भी 24 है, तो इसका मतलब 12 आगे गया 12 पीछे आया है, तो 12 48 देखते हैं। अच्छा देखते हैं, देखो एक चीज आप ये ध्यान रखो कि जो हमारे पास फॉर्मूला है s इक्वल टू ut प्लस हाफ at स्क्वायर, वो फॉर्मूला आपको क्या बताता है, s इक्वल टू ut प्लस हाफ at स्क्वायर, वो फॉर्मूला आपको क्या बताता है, डिस्टेंस या डिस्प्लेसमेंट। हाँ सर आयु अभी सही लग रहा है, चलो अब देखो सभी, देखो हमें ये पता है कि जो डिस्प्लेसमेंट होता है ut प्लस हाफ at स्क्वायर, वो फॉर्मूला आपको क्या बताता है, ये जो s है ये क्या बताता है आपको, डिस्प्लेसमेंट बताता है। ये अच्छे से आपको अंडरलाइन करके लिख लो कि s इक्वल टू ut प्लस हाफ at स्क्वायर में s डिस्प्लेसमेंट होता है, पार्टिकल आगे जा रहा है फिर वापस लौट रहा है, ये सब कुछ फॉर्मूला खुद ही हैंडल कर लेगा ना, आपको ये टेंशन नहीं लेना है कि पार्टिकल आगे जाके लौट रहा है तो डिस्प्लेसमेंट कुछ गड़बड़ तो नहीं होगा, ये फॉर्मूला खुद ही हैंडल कर लेगा। हमारे पास डिस्प्लेसमेंट निकालने के लिए डायरेक्ट फॉर्मूला है, लेकिन डिस्टेंस निकालने का हमारे पास फॉर्मूला नहीं है, ये ध्यान रखो, डिस्प्लेसमेंट का फॉर्मूला है। और यहाँ पे देखो पार्टिकल क्या है, स्ट्रेट लाइन में चलना शुरू किया है, तो ये कब तक आगे को चलता रहेगा, जब तक कि इसकी स्पीड जीरो नहीं हो जाए, तो आप चेक करोगे इसकी स्पीड जीरो कब होगी, अगर हम v इक्वल टू यू प्लस एटी में रखें, u की वैल्यू कितनी बोलेंगे +10 ना, पॉजिटिव x एक्सिस के अलोंग है, और एक्सेलरेशन कितना बोलेंगे नेगेटिव x एक्सिस के अलोंग है, इसलिए -2, फाइनल स्पीड जीरो होने का हम टाइम देख रहे हैं, तो वो कितना आ जाएगा v इक्वल टू यू माइनस ए इंटू टी, तो टाइम आया 5 सेकेंड। तो इसका क्या मतलब हुआ कि जो पार्टिकल है वो टाइम जीरो पे चलना शुरू किया और 5 सेकेंड तक आगे को चलता रहेगा, 5 सेकेंड के बाद क्या होगा, वो रिटर्न जाएगा ना, एक्सेलरेशन अब भी है ना, तो वो वापस चलना शुरू हो जाएगा, ठीक है ना। यहाँ पे क्या हो रहा है, पार्टिकल ऐसे चलना शुरू किया, पहले आगे को गया है और फिर उसके बाद
वो उसी लाइन पे वापस आ रहा है, बट समझाने के लिए मैंने अलग लाइन पे दिखा दिया है ना। यहाँ पे टाइम जीरो हो रहा है, यहाँ पे टाइम 5 सेकेंड हो रहा है। तो जब तक वो आगे को जा रहा है तब तक डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट क्या रहेंगे? जब तक पार्टिकल स्ट्रेट लाइन में चल रहा है आगे को, वापस नहीं लौटा है, तब तक डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट क्या होंगे? सेम। तो इसका मतलब 5 सेकेंड के पहले का अगर कुछ भी डिस्टेंस पूछा जाए तो आप क्या निकालोगे? 5 सेकेंड के पहले का अगर हमसे डिस्प्लेसमेंट पूछा जाए तो हम क्या निकालेंगे? डिस्टेंस ना, हम क्या निकालेंगे? डिस्टेंस। तो हमारा देखो पहले दो पार्ट में तो क्या है, 0 से 2 और 0 से 4, मतलब 5 सेकेंड के पहले के हैं। तो इसके लिए हम डिस्प्लेसमेंट निकालेंगे और उसी को आंसर बोल देंगे डिस्टेंस। तो पहला पार्ट के लिए हम क्या करेंगे, s इक्वल टू यू, यू कितना है 10, टाइम कितना है 2 सेकेंड, प्लस हाफ a की वैल्यू है -2 और पहले पार्ट में टाइम कितना है 2 सेकेंड। तो ये आ जाएगा 4, तो ये आ जाएगा 16 मीटर। पहले 2 सेकेंड बाद वो 16 मीटर पे पहुंचा था, पहले 2 सेकेंड में मतलब कहीं यहां पहुंचा हुआ है, मान लो यहां पर 2 सेकेंड बाद वो 16 मीटर आगे गया है। तो इसी को हम बोल देंगे, यही हमारा डिस्टेंस है और यही हमारा डिस्प्लेसमेंट है। फिर सेकेंड पार्ट, सेकेंड पार्ट में भी अभी 4 सेकेंड का ही पूछा गया है। 4 सेकेंड मतलब 5 से पहले का, 5 से पहले का है। तो अब भी हम डिस्प्लेसमेंट निकाल के उसी को बोल देंगे डिस्टेंस है। 5 सेकेंड का जब निकालेंगे तो ये क्या हो जाएगा, s इक्वल टू यू टी, टाइम 4 सेकेंड लेंगे इस बार, हाफ ए टी स्क्वायर। तो ये कितना आ जाएगा, 40 माइनस 16, ये कितना आया, 24 मीटर। तो इसका मतलब क्या हुआ, टाइम 4 सेकेंड पे मान लो कहीं यहां पहुंचा, ये हमारा टाइम 4 सेकेंड हुआ। ये कितना आ रहा है यहां से यहां तक का डिस्प्लेसमेंट, कुछ 24 मीटर। यहां तक का डिस्प्लेसमेंट जो है वो 24 मीटर है। ठीक है, यहां तक सबको क्लियर है? तो अब देखो इसका क्या मतलब हुआ होगा, अब आगे क्या हुआ होगा कि 6 सेकेंड में वो 1 सेकेंड में आगे गया होगा, फिर 1 सेकेंड में पीछे आया होगा ना। 4 पे अगर यहां है तो 5 पे तो जाके रुक जाएगा, मतलब 1 सेकेंड आगे जाने को मिलेगा 4 के बाद, और 6 सेकेंड का पूछा गया मतलब 1 सेकेंड ही वापस आने को मिलेगा, है कि नहीं? यहां अगर 4 सेकेंड है, यहां 5 है, तो 1 सेकेंड आगे गया तो वापस भी कितने आने को मिला, 6 सेकेंड, मतलब यहां पे वापस आ जाएगा 1 सेकेंड बाद। तो एक तो मतलब जब वापस आएगा तो यहां पे टाइम कितना हो चुका होगा जब वापस यहां पहुंचेगा, तो 6 सेकेंड। तो अगर हम 6 सेकेंड का डिस्प्लेसमेंट निकालें तो वो भी 24 ही आना चाहिए। तो आपने निकाला होगा ना, थर्ड पार्ट आप देखो सॉल्व करो और टाइम 6 सेकेंड डालो डिस्प्लेसमेंट वाले फॉर्मूले में ना, टाइम को आप 6 सेकेंड डाल दो इस बार, और एस वाले फॉर्मूले में डालो यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर में, यू की वैल्यू 10 प्लस हाफ ए की वैल्यू -2 इंटू 6 का स्क्वायर। तो ये आ जाएगा 60 माइनस 36, 24। 6 सेकेंड बाद वापस से डिस्प्लेसमेंट वही सेम हो गया। अब ये दिख रहा है कि 6 सेकेंड में क्या हुआ है, वो वापस भी लौटा है ना। तो अगर हमें डिस्टेंस बतानी है, डिस्प्लेसमेंट तो 24 है, लेकिन डिस्टेंस के लिए क्या चाहिए, पूरा आगे आने का डिस्टेंस फिर पीछे आने का डिस्टेंस। तो अब आपको ये देखना पड़ेगा कि वो पीछे 1 सेकेंड में कितना आया होगा, पीछे आने का जितना पीछे आया होगा उतना ही यहाँ पे आगे आया होगा। पीछे आने का निकालना आसान है ना, पीछे आने का निकालना आसान क्यों है, क्योंकि मान लो मैं ए बोल दूं, इसको बी, इसको सी, इसको डी, और ये वापस जहां पे आया सी ही पॉइंट ई है ना, सी और ई एक ही पॉइंट है ना। समझाने के लिए बस मैंने उसको अलग अलग दिखाया है, वो सेम है ना। तो हमें पता है कि डिस्टेंस के लिए मुझे क्या लगेगा, 24 मीटर प्लस
CD डिस्टेंस आगे गया और DE डिस्टेंस पीछे आया, और CD और DE इक्वल होंगे ना जब कांस्टेंट एक्सेलरेशन से चलते हैं, तो जैसे जैसे आगे बढ़ते हैं वैसे वैसे ही पीछे आते हैं। तो हम D से E तक की जर्नी देख लेते हैं, हम D से E तक की जर्नी देखेंगे तो U कितना पकड़ेंगे ये बताओ, D से E जर्नी में U कितना पकड़ेंगे? जल्दी बताओ बच्चों, U जीरो पकड़ेंगे, हाँ ना, D से E तक की जर्नी में U जीरो पकड़ेंगे, और टाइम कितना पकड़ेंगे? 1 सेकेंड, हाँ। तो हमारा अब यहां का डिस्प्लेसमेंट कितना हो जाएगा, S इक्वल टू UT, U जीरो है, A की वैल्यू -2 है, और टाइम कितना पकड़ेंगे? 1 सेकेंड। तो ये कितना आया? -1 मीटर। माइनस क्या बता रहा है यहां पर? माइनस बस ये बता रहा है कि ये निगेटिव एक्स एक्सिस में गया है ना, बट डिस्टेंस कितनी है? 1 मीटर ना, डिस्टेंस कितनी है? 1 मीटर। तो अब आपको बताना है कि टोटल डिस्टेंस कितना कवर हुआ 6 सेकंड में, तो कितना बोलोगे? यहां तक देख रहे हो, यहां से यहां तक 24 है, फिर 1 मीटर आगे गया और 1 मीटर पीछे आया, तो टोटल डिस्टेंस कितना कवर है? 26। टोटल हमारा जो डिस्टेंस कवर आ जाएगा, थर्ड पार्ट का डिस्टेंस पहले 24 तक आया था, फिर 1 आगे गया और 1 पीछे आया, टोटल हो गया 26। ठीक है, सबको सही से समझ आया क्या क्या किया है? सारायु और कुछ लोगों ने बहुत ज्यादा ज्यादा आंसर निकाला था, क्या किया था तुम लोगों ने? प्रथमेश कहाँ गया, तू है कि नहीं? प्रथमेश तूने निकाला था इसका आंसर? दिया सर। अच्छा ठीक है, सबको सही से समझ आ गया ना क्या क्या हुआ है? अच्छा आदित्य, यार देखा नहीं मैंने उस टाइम पे। तो अब आज की क्लास में तो इतना ही करते हैं, अब हम लोग को इसमें क्वेश्चन बस एक और हमारा कॉन्सेप्ट रह गया है nth सेकेंड का डिस्प्लेसमेंट निकालने का, बाकी तो मोशन अंडर ग्रेविटी स्टार्ट कर रहे हैं। तो आज का होमवर्क मैं दूंगा ना, आज जो हम लोगों ने पढ़ा इस बेसिस पे होमवर्क होगा, तो ग्रुप पे डालता हूँ ना, ये नोट्स भी मैं डाल दूंगा। ठीक है, चलो फिर, बाय बाय।